आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो कि 98% घर में आपको देखने को मिलेगा और आपके अंदर भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से क्या क्या नुकसान होता है आज मैं आपको बताऊंगा। और आपके घर में जो भी दादा दादी मम्मी पापा चाय पीते हैं जिनका उम्र 40 से प्लस हो गया है, आप उससे ये उपाय मिला के देख लीजिएगा जो मैं अभी आपसे कहने वाला हूँ। हर एक बात बिल्कुल मैच करेगा और ये 100% सच है। वो लोग क्या कहते हैं, सुबह पहले पानी पी लेते हैं उसके बाद चाय पीते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ नुकसान होगा ही नहीं। देखिए, अगर आपको चाय पीने का बहुत ही तगड़ा आदत है तो आप कैसे चाय पियेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आप जितना बजे भी सो के उठते हैं, आप घड़ी में टाइम देख लीजिए, 6 बजे, 8 बजे, 12 बजे, आप जितना बजे भी सो के उठते हैं सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना चाहिए, ओनली वाटर। और वाटर पी के, पानी पी के कम से कम 40 मिनट तक या 1 घंटा तक आपको अपने बॉडी में कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी को सेट करता है और वो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हैबिट होता है सुबह सुबह चाय पीने का, आँख खुल गया है चाय पियेंगे। या कुछ लोगों का ऐसा भी हैबिट होता है कि उनकी वाइफ जानती है कि इसको चाय देंगे तभी उठेगा, तो जैसे ही उठते हैं संग संग उसको चाय दिया जाता है। ऐसा करने से मैं आपको बताता हूँ कि क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान, पाचन क्रिया का कमजोर हो जाना। आप जो भी ऐसा करते हैं, अगर उनका उम्र 30, 35, 40 हो गया है तो आप नोटिस करके देख लीजिए, इन लोगों का पाचन क्रिया कमजोर हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, गैस का प्रॉब्लम होना, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, खट्टा ढेकार आना, बदहजमी होना, ये सब ये लोगों को 100% होगा ही। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर टाइम पे भूख नहीं लगना, कभी 8 बजे लगेगा, कभी 10 बजे लगेगा, कभी भूख ही नहीं लगेगा, कभी रात को 3 बजे लगेगा, मतलब कि आपका टाइमिंग खराब हो जाता है भूख लगने का। चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपको चाय नहीं मिलेगा ना तो आपका सर दर्द होने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम चाय नहीं पीते हैं तो हमको पॉटी नहीं होता है, मतलब कि आपका बॉडी इतना गंदा हो जाता है अंदर से, इतना ज़्यादा नशेड़ी हो जाता है चाय का कि उसको चाय नहीं पीने से वो अंदर से ठीक से काम नहीं करता है। तो आप लोग सुबह का चाय को बंद कीजिए। और अगर आपके घर में नया जनरेशन है, आज ही आपके घर में लड़का लड़की पैदा हुआ है, बहुत सारे माँ बाप भी अपना बेटा बेटी को जहर देते हैं, छोटा है अभी 1-2 में पढ़ रहा है उसको चाय पोटी दे रहे हैं, ये गलती आपको बंद करना होगा। अगर आपका बेटा छोटा है आप कसम खाइए कि इसको चाय का आदत नहीं दिलाएंगे, उसको बिल्कुल चाय मत दीजिए, एक बार भी चाय मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप बहुत सारे बच्चा से जाके मिल सकते हैं जो लोग चाय नहीं पीते हैं, एकदम मस्त है, एकदम फिट है, एकदम सुपर हिट है। चाय में कोई विटामिन कोई कैल्शियम नहीं है जिसको पीने से आपका बच्चा ताकतवर और हेल्दी होता है। कृपया करके अपने बच्चा को बिल्कुल भी चाय ना दे। छोटा उम्र से आप लोग चाय पिला पिला के उसको आदी कर देते हैं, जो प्रॉब्लम आपको है फ्यूचर में आपका बेटा बेटी को भी सेम प्रॉब्लम होने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।